देश में जितना औसत जांच हुआ है आप जान लीजिए 10% से भी ज्यादा बिहार में जांच हुआ है। और अब जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा वैक्सीनेशन, या अगले महीने से बाकी सब लोगों के लिए भी वैक्सीन आना शुरू होगा और सबका टीकाकरण होगा, काम शुरू कर दिया है। और इसी तरह से एक एक चीज का जो विकास किया जाएगा, हर अस्पताल से लेकर के हर जगहों का और विस्तार करते हुए हर प्रकार से लोगों को सहूलियत होगी और ट्रीटमेंट का उपाय होगा, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रहा है इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग, बीच में कैसा हाल हो गया था जी कोरोना में, हम लोग कह रहे थे कि ट्रीटमेंट होना चाहिए, बीच में देखे कि ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहा, काफी परेशानी हो गई थी, तब ये काम हुआ। अब जब से दिया है इनको जिम्मेवारी प्रत्यय अमृत जी को, तब कैसा हो रहा। हमारे जो मंत्री जी हैं तो बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, जरा भी नहीं छोड़ते हैं, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। और इस बिहार में क्या क्या नहीं हुआ, साहब कोरोना के मामले में अब देख रहे हैं कितना जांच हो रहा। देश में जितना औसत जांच हुआ है आप जान लीजिए 10% से भी ज्यादा बिहार में जांच हुआ, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम लोगों की आबादी, देश की जितनी आबादी है उसका तो 8.3 या 8.4% ही है, लेकिन हमारे यहां जो भी टेस्ट हुआ है कोरोना का, वो देश में जितना टेस्ट हुआ है औसतन पूरे देश में, उसमें 10% से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। 10 लाख की आबादी पर पूरे देश में जितना जांच हुआ है, और अपने बिहार में जांच होता है, देश में जितना जांच हुआ है उससे 21-22 हजार ज्यादा भी बिहार में। तो हर प्रकार से तो काम किया गया, किसी को छोड़ा गया, कैसे लोगों के इलाज के लिए प्रबंध, और अब कितने कम लोग हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये मान करके नहीं चलते हैं कि सब चीज खत्म हो, हर समय इसके लिए अलर्ट हैं लोग। और लोगों को अब तो वैक्सीनेशन हो रहा, 2 खंड के लोगों को तो वैक्सीनेशन हो गया, होना शुरू हो गया है, अब सेकेंड टर्म भी शुरू हो गया है। अब इसके बाद कल ही नीति आयोग की बैठक थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात की सूचना की, हम लोगों ने बिहार के बारे में भी बताया, ये सब बात हुई कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, और अब जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा वैक्सीनेशन, और 50 साल से कम उम्र वाले जो अन्य किसी बीमारी से गंभीर रूप से ग्रस्त है उनका वैक्सीनेशन होगा, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। और उन्होंने कहा कि अगले कल ही का 7-8 दिन के अंदर इस पर भी एक बार बात करेंगे। मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए कि अब अगले महीने से बाकी सब लोगों के लिए भी वैक्सीन आना शुरू होगा और सबका टीकाकरण होगा। और हम लोग तो सबको कहेंगे कि जो भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है एकदम उसका तो हम लोग अनुपालन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई टीकाकरण जरूर कराइए, ये सबके हित में है। अब हम लोग यहाँ तो बिहार में सब लोगों को थोड़ा अब विश्वास बहुत आया, कॉन्फिडेंस बहुत पैदा हुआ, अब देहात वहात में देखते हैं सब लोग कहता है ना अब हमको कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कौन जानता है। अब देख रहे हैं आपको, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बता दिया क्या स्थिति है, स्थिति महाराष्ट्र की क्या स्थिति, केरला की क्या स्थिति, कई राज्यों की स्थिति देख रहे हैं, तो अभी घबराने से इसको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं, लेकिन अलर्ट रहना, जागृत रहना, सचेत रहना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन सचेत रहना। तो ये सब काम तो हो ही रहा, ये सब काम ये लोग करेंगे और कितना बढ़िया ढंग से, तो मुझको तो बड़ी खुशी होती है प्रधान सचिव, और दूसरा राउंड भी करा लिए तो जल्दी होगा, तो जल्दी से जल्दी जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग भी कराएंगे और सबको कहेंगे कि टीकाकरण कराइए ताकि मुक्ति मिले और इस तरह की बीमारी फिर नहीं हो। बताइए 1 साल से जो समय बर्बाद है कितना बिना मतलब का नुकसान, हालांकि कृषि के क्षेत्र में तो कोई मैंने बेहतर ही है एक अलग बात, लेकिन हर प्रकार की चीजों का जो नुकसान हुआ, तो हम लोग को चाहेंगे कि तेजी से काम हो, तो ये काम तो हुआ ही है।